हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोड. फ्रेंड, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन. सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ अपनी एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ. सो गाइस, हम सभी जो कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर होते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि टीचिंग प्रोफेशन के अंदर, टीचिंग करियर के अंदर हमारी इंटरव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इंटरव्यूज जिनके अंदर डेमो लिया जाता है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, और उसी के साथ साथ जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स होती हैं उसको जज किया जाता है कि हम लोग किस तरह से टीच करवाते हैं. हमारे प्रोफेशन के अंदर नॉट ओनली एग्जाम्स को क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद हम लोग जो है, क्या अपनी टीचिंग टेक्निक्स कितनी अच्छी तरह से हम लोग टीच करवा पा रहे हैं, क्या हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो उन सभी को जज करने के लिए इंटरव्यूज ली जाती हैं. सो गाइज, रिसेंटली मैंने जो है AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी का एग्जाम क्वालिफाई किया, और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेरी इंटरव्यू थी. तो मतलब हम लोग AWES के एग्जाम के बाद हम लोग अपने आसपास के किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने अपनी सिटी के ही एक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर अप्लाई किया, जो APS तिबड़ी, जो कि हमारे तिबड़ी कैंप के अंदर पड़ता है, आर्मी कैंप के अंदर. मैंने उसके अंदर अप्लाई किया था. तो सबसे पहले हम लोगों को वहां पर अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन मोड से एक फॉर्म को फिल करना होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि फॉर्म को फिल करने के लिए जो भी हम लोग डिटेल्स उसके अंदर फिल कर रहे हैं उसे याद रखिएगा. एक काम कीजिएगा, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसको फिल करने के बाद अपना एक फोटो क्लिक करके रख लो उस फॉर्म की, क्योंकि आपको जब इंटरव्यू के अंदर जाना है ना, तो वहां पर उसी फॉर्म के अंदर आप लोगों ने जो जो लिखा है, वहीं उसके चारों ओर आपकी जो इंटरव्यू है वो रिवॉल्व करेगी, और ये बात पक्की है. ठीक है, तो मैंने जब फॉर्म फिल किया था, उसके अंदर काफी कुछ होता है, लाइक अपनी डिटेल्स लिखिए कि आपकी बायोडाटा लिखो, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखो, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में लिखो, आपकी हॉबीज के बारे में लिखो, आपकी जो क्वालिटीज हैं उसको लिखो कि कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आपकी क्या क्या अचीवमेंट रही, आप कौन सी गेम्स खेलना पसंद करते हैं, आप दूसरों को, बच्चों को कौन सी गेम्स खिलाना पसंद करोगे, और फिर आपके प्लस पॉइंट्स आपके लिखो, आपके पास कंप्यूटर है कि नहीं, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखो, आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करो. ये सारी चीजें हमें इसमें फिल करनी होती हैं. तो सबसे पहले तो फॉर्म फिल करके हम लोग ऑफलाइन मोड से स्कूल के अंदर या तो भेज देते हैं, या फिर हम लोग जो है उसको बाय हैंड पकड़ा के आ सकते हैं. सो फॉर्म फिल कर दिया था मैंने, और वो फॉर्म फिल करने के बाद, हाँ, हमारे पास एस्टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी सब एस्टेट और सीटेट में से कोई एक और AWES का स्कोर कार्ड हमारे पास होना चाहिए, तभी वो आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में आपका नाम रखेंगे और आपको कॉल करेंगे. तो गाइज, ये दोनों मेरे क्लियर थे, दोनों एग्जाम मेरे क्वालिफाई थे, तो उनका मुझे कॉल आ गया था. कुछ इंटरव्यू से 5 दिन पहले मेरे पास कॉल आया, तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम था प्रिपेयर करने के लिए. सो 5 दिन के बाद मैंने जो है इंटरव्यू, 23 मार्च को मेरी इंटरव्यू थी, 23 मार्च को मैं इंटरव्यू देने गई. सो उससे पहले 22 मार्च को पीजीटी लेवल के स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स थे उनकी इंटरव्यू थी, और वहां पर हमें बताया गया कि जो पीजीटी की इंटरव्यू थी, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो इंटरव्यू चली थी. तो आज की इंटरव्यू भी आपकी लंबी होनी चाहिए, होने वाली है. तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएं, तो अपने साथ खाना जरूर ले जाएं, बिकॉज वहां पर इंटरव्यू काफी लंबी चलने वाली होती है. तो गाइस, सबसे पहले तो 23 को सुबह 7 बजे मैं वहां पर पहुंच गई. उन्होंने अच्छी तरह मेंशन किया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास ईमेल आई थी, जो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सुबह 8 बजे से पहले स्कूल में पहुंच जाइए, उसके बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा. तो मैं ऑलमोस्ट 7:30 वहां पहुंच गई, और हम लोग जाकर हॉल में बैठे, और 8 बजते वो हॉल काफी ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ भर चुका था. ऑलमोस्ट 200+ पीपल्स वहां पर आए थे. तो गाइस देखिए, पोस्ट बहुत कम होती हैं स्कूल के अंदर, और ये तो ऑब्वियस है कि जहां पर भी एग्जाम होने जा रहा है वहां पर कैंडिडेट्स की लंबी लाइन जरूर लगने वाली होती है. तो वहां पर भी जो हमारे कैंडिडेट्स की काफी लंबी लाइन थी, तो मैं वहां पर गई, एंड सभी लोग बैठे हुए थे. सबसे पहले जो है टीजीटी वाले जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनको लेकर चले गए सीपीटी के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए. तो हमारा सीपीटी भी होने वाला था, तो पहले जो है वो लोग टीजीटी वालों को सीपीटी के लिए लेकर गए. तो गाइस, सीपीटी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास अभी यहां पर है, मैं आपको, आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी.
यहाँ पर वीडियो के अंदर भी आपको दिखाऊंगी अच्छे से, और मेरे इंस्टाग्राम एंडल के ऊपर भी मैं इसको जो है पोस्ट कर दूंगी, सोशल मीडिया के अंदर इसको पोस्ट कर दूंगी, आप इंस्टाग्राम पर जाकर इसको देख सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, 10 मार्क्स का ये एग्जाम है एंड 30 मिनट्स हमको इसके लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले सीपीटी ही होता है हमारे जाते ही, तो पहले टीजीटी लेवल वालों का सीपीटी हुआ था एंड फिर उसके बाद हमको वहां पर बुलाया गया सीपीटी के लिए। तो 30 मिनट्स हमको मिले और 30 मिनट्स के अंदर हम लोगों को इसको कंप्लीट करना था। जैसे कि इन लोगों ने एक टॉपिक दिया था, पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दी थी और हमारे पास टॉपिक था ऑनलाइन टीचिंग, और इसी के ऊपर हमें जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके रखनी थी। 30 मिनट्स के अंदर 2 क्वेश्चन थे और सेकेंड था एमएस वर्ल्ड के अंदर कुछ डाटा दिया था और इस तरह का हमें डॉक्यूमेंट बनाना था। तो देखिए हमें 30 मिनट्स मिलेंगे और 30 मिनट्स के अंदर हमें कंप्लीट करना होगा, 10 मिनट्स का ये पूरे क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर 4 से 5 स्लाइड्स बनाइए ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, टॉपिक था हमारा ऑनलाइन टीचिंग। तो गाइज वो लोग ये नहीं चेक करने वाले कि हम लोगों ने उसके अंदर ऑनलाइन टीचिंग के बारे में क्या क्या लिखा है, बल्कि वो लोग ये चेक करेंगे कि उन्होंने नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या उन्होंने उनको हमने अच्छी तरह से फॉलो किया है। लाइक उन्होंने कहा यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल हाइपरलिंकिंग, उन्होंने एक पॉइंट में कहा कि इंटरनल हाइपरलिंकिंग के कॉन्सेप्ट को आप लोग वहां पर यूज कीजिए। तो वो लोग यही चेक करेंगे कि क्या आपने इंटरनल हाइपरलिंकिंग की है या फिर नहीं की। सेकंड, चूज डिफरेंट स्लाइड डिजाइन फॉर एवरी स्लाइड, जितनी भी आप लोगों ने 4-5 स्लाइड बनाई है उसके अंदर आप लोगों ने सभी डिजाइन, मतलब हर किसी स्लाइड के अंदर डिजाइन इंसर्ट किए हैं या नहीं, यही चेक करेंगे। सेकंड, अप्लाई कस्टम एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन एनिमेशन आपने ऐड किए हैं। इंसर्ट अ फुटर ऑफ योर नेम एंड स्लाइड नंबर और एवरी स्लाइड, हर स्लाइड के ऊपर नीचे फुटर में अपना नाम लिखना है और स्लाइड का नंबर लिखना है। ये 5-4 चीजें वो चेक करने वाले हैं आपकी कि आपने ये स्लाइड के अंदर इंट्रोड्यूस जो है डाली है या फिर नहीं। अगर आपने ये सब डाली है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सेकंड, हमारा एमएस वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि सेट द पेज मार्जिन ऑफ 0.5 फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड 1 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। लेफ्ट और राइट से 0.5 की मार्जिन छोड़नी थी, टॉप और बॉटम से 1 की मार्जिन छोड़नी थी 1.0 की। ये चेक करेंगे वो लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट साइज जो है हमें 14 रखना था हेडिंग में और नीचे रखना था 12, यही चेक करेंगे कि क्या आपने ये किया है। थर्ड, सेट द फॉन्ट फेस टू टाइम न्यू रोमन आपने यूज किया है या फिर नहीं। फिर उसके बाद नीचे जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया वो आपने बनाया नहीं, लाइक इस तरह का हमें फॉर्मेट दिया गया था, तो वो यही चेक करेंगे कि आप ये फॉर्मेट को विड्रॉ कर वहां पर बना पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, सो ये हमारा सीपीटी था जो कि कुछ आधे घंटे चलता है। एंड सीपीटी के बाद गाइज वहां पर जो है हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। तो सुबह 8 बजे मैं वहां पर गई थी, 9 बजे 8:30 बजे तक मेरा सीपीटी कंप्लीट हो चुका था और शाम को 4 बजे मेरी इंटरव्यू थी। तो इतना लंबा टाइम मुझे वहां पर वेट करना पड़ा था, नहीं मुझे ही नहीं बल्कि सभी जितने भी वहां पर कैंडिडेट्स हैं पीआरटी वाले, क्योंकि पीआरटी की इंटरव्यू ही 4 बजे से शुरू हुई थी, 3:30 से शुरू हुई थी, 4 बजे मेरा जो है नंबर आ गया था। तो गाइज अब इंटरव्यू पे आते हैं। जब हम लोग इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं तो देखो 15 मिनट हमें जो है वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है इंटरव्यू में जाने से पहले। ठीक है, तो इंटरव्यू रूम के अंदर जाने से पहले 15 मिनट हम लोगों को पैनल के सामने जाने से पहले 15 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें हम लोगों को वेटिंग रूम में उनका वेट करना होगा, जो हमसे पहले कैंडिडेट गया है उनका वेट करना होगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं तो अपने आसपास चारों दीवारों को ऑब्जर्व कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, अपने आसपास की 4 दीवारों को ऑब्जर्व कीजिए कि वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या पता कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई। लाइक जब मैं बैठी थी तो वहां पर सामने जो है एक पोस्टर लगा हुआ था जिसपे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ था और उसी के साथ नीचे लिखा था प्लीज कन्वर्स इन इंग्लिश। तो मैंने उस चीज को देखा था पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर मैं पढ़ना भूल गई थी, तो वहां जाकर वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। बट हाँ एक एक्सपीरियंस मिला कि जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाएं उससे पहले वेटिंग रूम के अंदर चारों तरफ अच्छी तरह से आप नजरें दौड़ा लें कि वहां पर जाके आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसी में से ना पूछ ली जाए। तो मैं उसके बाद इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर किया। मैंने वहां पर एक यू शेप में टेबल लगा हुआ था और उसके अंदर उसके वहां पर हमारे जो है उसके चारों ओर बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए थे। बिल्कुल सामने सेंटर के अंदर ब्रिगेडियर सर बैठे थे और कुछ आर्मी ऑफिसर साइड में बैठे थे, 2 और 3 आर्मी ऑफिसर्स थे और प्रॉपर नंबर मुझे याद नहीं है बट हाँ 2 या 3 ऑफिसर्स बैठे थे और सामने जो है ब्रिगेडियर सर बैठे थे, एक काउंसलर थे वहां पर, एक साइकोलॉजिस्ट थे और वहां के खुद के टीचर्स थे, सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर्स थे और साथ ही साथ हमारे जो है एक प्रिंसिपल मैम थे स्कूल के। तो जब हम जाते हैं सबसे पहले हमें जो है उन्होंने बुलाया दैट वेलकम टू आर्मी पब्लिक स्कूल तिबड़ी,
और उसके बाद वो बैठने के लिए बोल देंगे कि प्लीज हैव योर सीट, और सेंटर में हमारी सीट होगी तो सेंटर में बैठना। देखो बैठने का तरीका, कभी भी इस तरह से आप इंटरव्यू के सामने नहीं बैठ सकते, आपको बैठना इस तरह से लाइक यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि उनके पास वो आपकी जॉब है, वो आपको जॉब दे सकते हैं और आपको अभी जॉब चाहिए, तो आप इस तरह से बैठेंगे कि आप उन्हें एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद इस तरह से बिल्कुल गंदा तरीका होता है इंटरव्यू के अंदर बैठने के लिए, तो आप इस तरह से नहीं बैठेंगे बिल्कुल। उसके बाद अब जब बैठ जाएंगे तो वो आपसे बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको डरना नहीं है। देखो इंटरव्यू रूम के अंदर जाने, कुछ लोग तो जाने से ही डर जाते हैं, है ना, तो डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमसे हमें देखने के लिए ही बैठे हैं। वो यही देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, तो यही सब वो चेक करेंगे, बाकी वो हमें खा नहीं जाने वाला है। सो डरने की कोई बात नहीं होती इंटरव्यू के अंदर। पीछे जो है हमारा फॉर्म जो हमने फिल किया था वही डिस्प्ले होता है, जो है पावर पॉइंट सॉरी प्रोजेक्टर पे वो पीछे डिस्प्ले होगा, और उस वहां पर हम नीचे जो है सीट के ऊपर बैठे होंगे। और डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम आराम से चिल कीजिए, जाकर बैठिए, क्योंकि जो पैनल होता है ना वो काफी कोऑपरेटिव होता है, वो बिल्कुल माहौल को एकदम ठंडा रखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा डरे ना। उसके बाद जब हम बैठ गए तो इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, आपको इंट्रोड्यूस करना है, बिना डरे अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन देने के बाद देखिए, अगर मेक श्योर कि आपकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो, और आपके जो है ना इंटरव्यूज उसी में से ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लें। जैसे कि मेरी इंट्रोडक्शन थी, मैंने अपना नाम बताया, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताई, ये बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसके बाद मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने क्या क्या मेरी अचीवमेंट्स हैं वो बताया, और उसके बाद उसी में से कुछ क्वेश्चंस जो है मुझे पूछ लिए गए। जैसे कि वहां पर एक काउंसलर मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो मैंने माइक्रो टीचिंग के जो कंपोनेंट्स थे वो बताए, जितने मुझे आते थे उतने मैंने बताए। जरूरी नहीं कि आप सभी के सभी याद करके बताओ कि माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स ये थे, आप वहीं पर सोचने बैठ जाओ, ठीक है, दो मिनट्स का मतलब 15 सेकेंड्स का आप टाइम लो जिसमें आप सोचेंगे कि हाँ क्या हो सकता है, और उसके बाद जस्ट आप आंसर दीजिए। और उसके बाद मैंने आंसर दिया, और जो मुझे नहीं आ रहा था मैंने कह दिया सॉरी मैम आई कांट रिमेम्बर। उसके बाद जो है मुझसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक सब्जेक्ट रिलेटेड मैम ने मुझे पूछे कि एयर की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, उसके बाद मैंने उनका आंसर दिया, उन्होंने बोला कि नाइट्रोजन गैस के यूजेस क्या होते हैं, मैंने उसका आंसर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने उसके आंसर दिए। एयर की प्रॉपर्टीज को हम लोग किस तरह प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के सामने, तो वो मैंने वहां पर जो है उनको बता दिया कि किस तरह से हम लोग एक्टिविटीज करके उनको जो है बच्चों के सामने हम लोग उनको प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल मैम बैठे थे, उन्होंने मुझसे जो है सब्जेक्ट रिलेटेड लाइक मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछा कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, आपको अगर स्टूडेंट्स को बताना है कि एरिया पैरामीटर क्या होता है, आप किस तरह से बच्चों को पैरामीटर पढ़ाएंगे। मतलब वो टॉपिक खुद से दे रहे थे, टॉपिक जो हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं उसका डेमो नहीं देना था, बल्कि वो खुद से एक टॉपिक दे रहे थे जिसके ऊपर हमको खुद से डेमो देना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि पैरामीटर के ऊपर डेमो दे दो, आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। पीछे एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था और मुझे जाकर अपना डेमो प्रेजेंट करना था, तो मैंने अपना डेमो दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज हैव योर सीट, आप बैठ जाइए, आपके डेमो के अंदर वो जज करेंगे आपकी टीचिंग स्किल्स, किस तरह से आपकी क्या क्या आप टीचिंग स्किल्स में क्या क्या चीजें क्या क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बैठ जाते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर पहले टाइप के क्वेश्चन, पहले आपके इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, तो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट को एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाइए, वो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। थर्ड चीज आपकी डेमो, डेमो के लिए प्रिपेयर रहिए, ये नहीं कि आपने एक टॉपिक कर लिया और उसी से आपको डेमो देना होगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको डेमो देने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बी प्रिपेयर, जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट के उनको एक बार प्रिपेयर करके जाइए। उसके बाद वो लोग जो है आपसे, ब्रिगेडियर सर जो सामने सेंटर में बैठे होते हैं, वो आपसे करंट अफेयर्स में से पूछेंगे, जो रिसेंट जो हुआ है, जैसे 4-5 दिन में आपकी स्टेट में कुछ हो रहा है, आपके सेंटर में कुछ हो रहा है सेंटर लेवल पे, तो वो जो बिल्कुल रिसेंट चीजें है ना उनमें से कुछ करंट अफेयर्स पूछेंगे। जैसे मुझसे पूछा गया हमारी स्टेट पंजाब के बारे में कुछ, कि जो हमारे न्यू सीएम बने हैं उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है वो कौन सा है, फिर कितनी पोस्ट अभी रिसेंट निकाली है हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, और भी 2-3 क्वेश्चंस थे ऐसे ही हमारे करंट अफेयर्स में से। तो करंट अफेयर्स आप जरूर करके जाइए। और उसके बाद लास्ट थिंग, मतलब हमें 3 चीजें भी पता चल चुकी है, एक डेमो, एक सब्जेक्ट रिलेटेड, एक आपकी इंट्रोडक्शन में से, थर्ड थिंग करंट अफेयर, फोर्थ थिंग जो हमारा जो फॉर्म था, फॉर्म के अंदर जो भी कुछ हम लोगों ने लिखा था उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस बना सकते हैं उस फॉर्म में से कि आपने जो अपनी क्वालिटीज लिखी हैं उसको आप प्रूफ कीजिए, या फिर आपकी प्रॉपर्टीज, आपने कुछ क्वालिटीज लिखी हैं, ये क्वालिटीज का मतलब क्या है, या फिर आपने जो गेम्स लिखी है उसके बारे में आपको पता है,
या फिर आपने जो गेम्स लिखे उसने उसको आप कभी आपने खेला है, या फिर आप बच्चों को जो गेम्स खिलाने वाले उसके रूल्स को पता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से देख कर जाइए। तो ये हमारा जो है इंटरव्यू कुछ 7 से 8 मिनट चला। उसके बाद जो है उन्होंने मैंने थैंक यू उन्होंने कहा कि आप अभी जा सकते हैं, तो मैंने थैंक यू कहा और मैं क्लास से बाहर आ गई। तो देखो इंटरव्यू जितना भी हमारा 7-8 मिनट का इंटरव्यू होगा ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि वहां पर हम खुद को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता खुद को जब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सेकेंड थिंग कि जो भी क्वेश्चंस दे रहे हो, अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, तो सिंपल बोल दो सॉरी मैम आई कांट रिमेम्बर, या फिर आई डोंट नो सर मुझे नहीं आता। वहां पर भी डरने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो आपको आपके एटीट्यूड को ही तो देखने वाले हैं। उसके बाद जो है हमारी इंटरव्यू खत्म हो जाती है। तो गाइज वहां पर मेरे काफी सारे जो है फ्रेंड्स जो मेरे साथ स्टूडेंट्स थे वो भी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी इंटरव्यू के अंदर क्या था, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था। वो जो है सिचुएशन रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है एंड आपको बोल रहा है कि मैं इस टीचर से नहीं पढ़ूंगा, मुझे इस टीचर से नहीं पढ़ना, तो आपको उस स्टूडेंट को कन्विंस करना है अपने खुद से पढ़ाने के लिए, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे? ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में डाल सकते हैं आप लोगों को। जैसे और एक और क्वेश्चन था, जैसे आपको 8th क्लास तक की, जैसे अगर आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, तो वो आपसे 8th क्लास तक की साइंस पूछ सकते हैं, ये मानकर चलिए कि 8th क्लास तक की साइंस वो आपसे पूछेंगे, तो वो आप जो है करके जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एपीएस की इंटरव्यू हिंदी में होती है या इंग्लिश में होती है? तो गाइज ये टोटली आपके पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू हिंदी के अंदर होगी या इंग्लिश के अंदर होगी। सो मैं अगर अपनी इंटरव्यू की बात करूं, तो मेरी जो इंटरव्यू है वो इंट्रोडक्शन सिर्फ इंग्लिश के अंदर हुआ था, बाकी सारे जो क्वेश्चंस थे वो हिंदी के अंदर थे, हिंदी के अंदर हम बात कर सकते थे, इवन वो भी हमारे साथ हिंदी में ही बात कर रहे थे। सो एपीएस की इंटरव्यू हिंदी में भी होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पैनल के ऊपर कि आपका पैनल कैसा है। और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं कि अगर आपका हिंदी में इंटरव्यू हो रहा है, तो उसे आप ये लेकर चलिए कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं होने वाला, क्योंकि उनके खुद के टीचर्स वहां पर बैठे होंगे इंटरव्यू के अंदर, तो वो आपकी सिलेक्शन क्यों करेंगे, है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और उनके पास खुद के ऐसे टीचर्स हैं जो उसी स्कूल के एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनको सिलेक्ट करने वाले हैं, नो डाउट। तो ये मेरा कुछ इंटरव्यू रहा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर हमें सिंपल पता चला कि इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है। सेकंड थिंग, बैठना किस तरह से है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। थर्ड थिंग, डरना नहीं है, हम लोगों को जो है अपना आंसर देना है, और अगर नहीं आ रहा तो बोल दीजिए सीधा कि सॉरी मैम आई कांट रिमेम्बर, मुझे नहीं आता। और अपना जो फॉर्म फिल करना है उसको आप अच्छी तरह से फोटो खींच के रख लीजिए, और उसी को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए कि इसमें से आपसे कुछ जरूर ना जरूर पूछेंगे, वो तो मस्ट है कि आपसे कुछ ना कुछ उसमें से जरूर पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स आप अपना पक्का देख के जाइए, 1-2 दिन का करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसेंटली क्या हो रहा है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उनके टीचर्स कितने अपडेट हैं। फिर आप जहां पर बैठे हैं उसके आसपास आप ऑब्जर्व करके जाइए, देख लीजिए कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो वो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। सो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा इंटरव्यू देकर, एक कॉन्फिडेंस आया। और इंटरव्यूज के अंदर सच में कॉन्फिडेंस ही आता है अगर आप जाएंगे रेगुलरली, बिकॉज अगर आप सीधा केवीएस वगैरह जैसे इंटरव्यूज में बैठने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा डर वाली बात हो सकती है। तो आपको जो है यहाँ पर ऐसे इंटरव्यूज को फेस करना जरूरी है। सो गाइज अगर आप भी कभी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो अपना डेमो वगैरह जो है अच्छी स्किल्स को देखकर जाएं, सभी टॉपिक्स को देखकर जाएं, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर वो बोलने के लिए कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जो है मेरी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। बाकी मैं आप सभी के सामने ये क्वेश्चन पेपर साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। हाँ, एक्सेल का क्वेश्चन इसमें नहीं आया था, लेकिन देखा जाता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एक्सेल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, बट इसमें दो ही क्वेश्चन थे, एक एमएस वर्ल्ड का था और एक हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का था। सो गाइज ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था अपने इंटरव्यू का। बाकी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है, एक्सपीरियंस मिलता है, जीत मिले या ना मिले, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कभी ना कभी आपको जीत भी जरूर मिलेगी। बाकी गाइज अगर आपको कहीं ना कहीं ये मेरी जो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ये हमें हेल्प कर सकता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स। गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कुछ,
और उसके बाद हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने एक टॉपिक दिया है जिसके ऊपर कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वो ये लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है या नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह वो लोग नहीं चेक करेंगे, कंटेंट क्या लिखा है वो ये लोग चेक नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे इंटरनल हाइपरलिंकिंग की है या नहीं, से डिफरेंट स्लाइड डिजाइन यूज किए हैं, एनिमेशन स्लाइड ट्रांजिशंस लगाए हैं, फुटर आपने ऐड किया है अपने नाम का, एंड MS एक्सेल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट है। तो इसके अंदर ये लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने मार्जिन सेट किया है, फ्रंट साइज लगाए हैं, फ्रंट फेस टाइम न्यू रोमन में हम लोगों ने किया है या नहीं, और ये फॉर्मेट को हम लोगों ने बनाया है नहीं MS वर्ल्ड के अंदर। सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था जिसे हमें हाफ आवर के अंदर कंप्लीट करना था, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, 5 मार्क्स की हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड 5 मार्क्स की हमारी MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, और बाद में ये दोनों फाइल्स को बना करके सेव करना था। सेव करके डेस्कटॉप के ऊपर हमें अपने नेम का एक फोल्डर बनाना था, उस फोल्डर के अंदर हम लोगों को ये दोनों फाइल्स को सेव करना था, और इसको ये लोग चेक करेंगे।